नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ अरती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नोएडा से आ रही बड़ी खबर के साथ। किसानों ने दिल्ली जाने वाली सड़क को खाली कर दिया है। किसानों के बीच वार्ता के बाद ये फैसला किया गया है। भारतीय किसान यूनियन नेता से वार्ता के बाद हल निकला है और किसानों ने सड़क खाली कर दी है। किसानों पर गुंडा एक्ट हटाने की मांग की जा रही है। किसानों पर दर्ज मुकदमे भी वापस लेने की मांग की है भाकियों ने। और मांगे माने जाने के बाद दिल्ली नोएडा बॉर्डर किसानों ने खाली कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां किसानों ने दिल्ली जाने वाली सड़क खाली कर दी है। प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत के बाद ये फैसला किसानों ने किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता योगेश प्रताप से बातचीत के बाद हल निकला है। प्रशासन ने बातचीत की भाकियों नेता के साथ, जिसके बाद किसानों पर लगे मुकदमे वापस लेने की मांग की गई किसानों के द्वारा, और इसे प्रशासन ने मान लिया, जिसके बाद किसानों ने सुशांत नागपाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है ताजा अपडेट के साथ। सुशांत, किसानों के साथ प्रशासन की वार्ता लगातार जारी थी और अब मांगे पूरी होने के बाद किसान सड़क खाली करने पर राजी हो गए हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, जिस तरह से सुबह से चिल्ला बॉर्डर पर यहाँ पर किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, उसके बाद में आज अभी करीब एक घंटे पहले यहाँ पर जो जिला प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर आकर किसानों से बात करने का प्रयास किया उनके द्वारा, और जो किसान नेता योगेश प्रताप जो अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनसे उनकी मांगे पूछी गई। मांगे पूछने पर जो प्रशासन को पता लगा कि जो किसानों की जो गाड़ियां जो आती हैं उनके चालान किए जा रहे हैं, साथ में जो किसानों के ऊपर जो अभी बीते दिनों में जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो मुकदमे हटाए जाएं, और साथ में जो साथी चिल्ला बॉर्डर पर आना चाहते हैं उनको आने में किसी तरह की रुकावट उनके लिए पैदा ना की जाए, तो ये मांगे जो थी वो जिला प्रशासन के द्वारा मान ली गई। जिसके बाद में जो योगेश प्रताप जो किसान नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के, उनके द्वारा जो अपना भूख हड़ताल जो उनके द्वारा की गई थी उसको तोड़ा गया है। दाल चावल खाकर के यहाँ भूख हड़ताल तोड़ी गई है। दूसरी चीज, जो जिस तरह से जो पूरा जो रोड जाम किया हुआ था वहां से उठ करके अब ये लोग अपना प्रदर्शन इनका अभी भी जारी है, लेकिन जो चिल्ला बॉर्डर पर जो रोड जाम किया हुआ था उस रोड को खोल दिया गया है ताकि आने जाने वाले मुसाफिरों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका सुशांत।